بسم الله الرحمن الرحيم। हेलो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं बिहार ऑनलाइन क्लासेस और हम लोगों का आज ग्रामर का डे थ्री है, यानी तीसरा दिन है। हम लोग जस्ट जैसे कल नाउन के बारे में जाने थे कि नाउन क्या चीज़ है, नाउन किसे कहते हैं, लेकिन बच्चों आज हम लोग नाउन के अकसाम को जानेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन को जानेंगे कि नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्योंकि हम लोग आज डे थ्री में हैं। ये याद रखिए ग्रामर का मतलब डे थ्री, तीसरा दिन है ग्रामर का हम लोगों का। देखिए बच्चों ऊपर में, और ये ग्रामर क्लास 7-8 दोनों के लिए, एकदम कॉमन ग्रामर है 7-8 दोनों क्लास के लिए। और देखिए काइंड्स ऑफ नाउन यानी इस्म के अकसाम, मतलब नाउन्स के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्टों में बांटा गया नाउन को। तो फर्स्ट पार्ट को देखिएगा, प्रॉपर नाउन मतलब इसमें मार्फा, कॉमन नाउन इसमें आम, कलेक्टिव नाउन इसमें जमात। एरो ड्रॉ किया हुआ, थोड़ा डाउन एरो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड में। मटेरियल नाउन इसमें मादा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें कैफियत। तो बच्चों ये नाउन के पार्ट्स है, ये पांच पार्टों में नाउन को बांटा गया, देयर आर फाइव पार्ट्स ऑफ नाउन, और इनकी यहाँ पे इनके मीनिंग है किसके क्या, उर्दू में क्या बोलते हैं, इसमें मार्फा, इसमें आम, इसमें जमात, इसमें मादा, इसमें कैफियत, थोड़ा सा डाउन एरो में आ गया है। और ये इनकी जो डेफिनेशन है, इनको प्रॉपर नाउन किस किसे कहते हैं, किस टाइप का नाउन प्रॉपर नाउन होगा, तो यहाँ पे उर्दू में जस्ट लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन यानी नंबर एक सीरियल वाइज है, वो इस जो किसी खास शख्स या चीज़ का नाम समझा जाए उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। वह नंबर दो, वह इस जिससे किसी भी जात का नाम समझा जाए उसे कॉमन नाउन कहते हैं। वह इस जो किसी जमात का इल्म दे उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वह इस जिससे किसी दूसरी चीज़ बनता हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। नंबर फाइव यानी एब्स्ट्रैक्ट का, वह इस जो किसी चीज़ की खूबी हालत का इल्म दे, खूबी या अच्छाई कुछ भी या हालत का इल्म दे उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये तो डेफिनेशन कॉमन तौर पर था बच्चों, लेकिन आप समझिए प्रॉपर नाउन असल है क्या चीज़, वो कौन कौन वर्ड है जो प्रॉपर नाउन में आता है, वो कौन कौन सा एग्जाम्पल है जो कॉमन नाउन का हो रहा है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन ही का है और ये एग्जाम्पल कॉमन नाउन ही का है। तो जैसे आपके यहाँ मीनिंग ही से समझाता, प्रॉपर नाउन अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रॉपर पर्सन, अ प्रॉपर प्लेस, अ प्रॉपर प्लेस, अ प्रॉपर थिंग, यानी कोई ऐसा नाउन, ऐसा नाम। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाना चाहेंगे, एग्जाम्पल से आप समझिए कि इसको कैसे प्रॉपर नाउन जाना जाता है, इसे कैसे प्रॉपर नाउन कहेंगे कि ये एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन का ही है। प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसे खास आदमी का या खास जगह का या खास चीज का नाम समझा जाए। जैसे प्रॉपर नाउन का एग्जांपल में, जैसे कोई भी एक नाम, मोहन ले लेते हैं, जैद ले लेते हैं, ये नाम ऐसे अगर जिसमें 10-12 लड़के, 10-12 स्टूडेंट आपके बीच हो, हमारे बीच हो, एनी प्लेस एनी वर्ल्ड इन द वर्ल्ड कहीं पे भी हो आपके, अगर वहाँ पे कोई सिर्फ एक ही लड़का मोहन है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, और अगर 3-4 लड़का मोहन ही नाम का है तो वो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, इशारा करके बताना पड़ेगा कि ये मोहन। तो जिसको आप इशारा कीजिएगा, डिनोट कीजिएगा, पॉइंट आउट कीजिएगा, वो प्रॉपर एकदम खास हो जाएगा। और उसी तरह जैद, अगर एक जैद है तो वो तो ऐसे खास हो जाएगा, लेकिन 10-12, 3-4 जैद अगर एक ही जगह है तो आप समझिए कि वहाँ पर आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि ये जैद, वो जैद ने ये जो रेड टी शर्ट है, या वो जैद जो ब्लू वाले हैं, या वो जैद जो ये है वहाँ बैठे हैं, इस टाइप से आप उसको प्रॉपर कर सकते हैं, उसको मार्फा कर सकते हैं, उसको खास कर सकते हैं, उसी को इसमें प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे उसमें और कौन कौन सा एग्जांपल होते हैं बच्चों, मंथ्स, जितने भी मंथ्स हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जितने भी हैं सारे प्रॉपर माने जाते हैं, ये सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 12 ही हैं जो खास हैं, कोई और नहीं है, ये अलग अलग नाम भी है और अलग अलग मंथ। जनवरी है जिसको आजकल में मॉडर्न इंग्लिश में जैन फैब के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एकदम खास है और इसको खास होने की वजह से ये इस प्रॉपर नाउन में डाला गया। इसी तरह डेज है, डेज है, डेज में जैसे मंथ्स में जैन है, फैब है,
यानी January, जनवरी, February, फेब February, कि इस टाइप के जितने भी मंथ हैं वो सारे 12 मंथ वो प्रॉपर नाउन या डेज हैं, जैसे मंडे मंडे संडे, ये जितने भी डेज हैं जैसे फ्राइडे, मंथ्स और डेज, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। उसी तरह कोई भी नाम, जैसे आपको दुनिया में वो चीज जो एक ही है, दैट थिंग्स विच इज वन एंड वन ओनली इन द वर्ल्ड, वो भी प्रॉपर नाउन में आते हैं, जैसे मून यानी चांद, जैसे सन यानी सूरज, ये जो है ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। उसी तरह बच्चों कॉमन नाउन, कॉमन नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे कोई एक नहीं समझा जाए बल्कि उससे हर एक का इल्म हो, हर एक का ज्ञान हो, जिससे हर कोई समझा जाए। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉमन नाउन का, कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं और उसका एग्जांपल में क्या क्या आ सकता है। जैसे बच्चों कॉमन नाउन लिखते हैं मैन, एग्जाम्पल में आप देखिएगा मैन, मैन मतलब आदमी, कोई भी आदमी हो सकता है, हो सकता है वो कोई कहीं का भी आदमी हो, कहीं से भी आया हो, कोई ये तो नहीं बोल रहे कि ये उस इस आदमी के अंदर भी काफी सारे नाम्स होते हैं, जैद है, मोहन है, रमन है, फराह है, कितने भी नाम्स आप बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम्स है, लेकिन ये कॉमन है, मैन कोई भी हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं टीचर, ये टीचर है कोई भी टीचर, ये नहीं कि मैथ के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, या फिर ये फिकह के टीचर हैं, या कोई भी ये है असतजा है या उस्ताद है, कोई नहीं, कॉमन, आपको कौन से टीचर है कोई खास नहीं है, किसी को भी बोल सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल मोहन ही का ले लेते हैं, कोई भी मोहन, कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसी को खास सिर्फ मोहन बोल दीजिए, कोई भी मोहन, तो ये कॉमन नाउन में आता है, इसलिए कि ये कॉमन आम है, कोई खास नहीं समझा जा रहा है। सर्वेंट, आप सर्वेंट भी ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है बच्चों, सर्वेंट सर्वेंट है, ये सारी चीजें किस में आते हैं, ये एग्जाम्पल है कॉमन नाउन का। इसी तरह बच्चों ये जितने भी एग्जाम्पल थे ये कॉमन नाउन के, और इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल दिए वो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल था। अब आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन में, कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें लिखा हुआ इसमें जमात, मतलब ऐसा नाउन जिसमें कुछ चीजें हो, एक जमात एक ग्रुप को बताए, दैट नाउन रिप्रेजेंट अ ग्रुप और क्लास अ नंबर ऑफ पर्सन अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये ऐसी चीजें जिसमें एक जमात का सेंस हो, जमात समझा जाए, एक उसमें ग्रुप समझा जाए। जैसे एग्जांपल फॉर दैट आपको हम दिखाते आर्मी, इसमें बहुत सारे आर्मी, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो और भी इसमें आते हैं, जैसे बच्चों और भी ले लेते हैं क्राउड भीड़, उसी तरह फैमिली, जैसे हमारे आपके फैमिली है, क्राउड है, भीड़ है, इसमें बूढ़े बच्चे औरत मर्द सारी चीजें एक ये ग्रुप हो गया इसमें, तो ऐसी नाउन को कलेक्टिव नाउन के पार्ट्स में डाला जाता है। जैसे फैमिली, चाहे हमारे फैमिली हो, आपके फैमिली हो, आपके दोस्त के फैमिली हो, कोई भी हो, उस फैमिली में क्या कोई सिर्फ मर्द रहते हैं, क्या हमारे पापा रहते हैं, क्या हमारे अब्बू जान रहते हैं, नहीं, हमारी अम्मी रहती है, बहनें रहती है, भाई, तो वो एक ग्रुप हो गया बच्चों, एक ग्रुप है, इसमें छोटे भाई बड़े भाई ये सारी चीजें आ जाते हैं, इसी को कहते हैं कलेक्टिव नाउन, मतलब एक मजमुए को एक जमात को। उसी तरह बच्चों अब आते हैं हम लोग मटेरियल नाउन में, कि मटेरियल नाउन किस नाउन को कहते हैं, तो मटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं ऐसे वर्ड्स या नाउन के ऐसे वर्ड्स आते हैं जिससे कोई दूसरी चीज बना जा सके, ऐसा नाउन या ऐसा नाउन का वर्ड जिस वर्ड से या जो नाउन किसी दूसरी चीज को बनाता हो, जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या है, सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी, ये ऐसा है इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, आप यूजेबल थिंग बनाते हैं, चांदी की अंगूठी बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे गोल्ड, बच्चा गोल्ड, ये स्टूडेंट गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, इससे भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे शुगर, शुगर मीन्स चीनी, इससे भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं। वाटर, वाटर भी आता है, तो मटेरियल नाउन का मतलब है जैसे इसमें मादा, ऐसा इसम ऐसा नाउन जिससे कोई दूसरी चीज बना सके या उससे कोई दूसरी चीज बने, तो ऐसे नाउन को क्या कहते हैं। ये एग्जाम्पल था मटेरियल नाउन का बच्चे, और एक एग्जाम्पल नीचे लास्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं, जैसे कल हम नाउन के पार्ट्स में एक चीज बताया था जो हिडन है, कि नाउन उसे भी कहते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, यू कैन सी एंड टच, ओनली यू कैन फील,
तो जिस चीज़ को आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ उसका एहसास कर सकते हैं, उसका तसव्वुर कर सकते हैं आप, वो चीज़ वो किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे उसके एग्जाम्पल में आपको हम दिखाते हैं हैप्पीनेस। बच्चों हैप्पीनेस ये किसी की कैफियत को भी बता सकता है कि वो किस हालत में है, वो खुशी की हालत में है या सैड उदास की हालत में है। ये सारे एग्जाम्पल किसके आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आते हैं। ये नाउन के पांचवा पार्ट है जो ऐसे नाउन को बताता है जो ना आप ना हम कोई देख नहीं सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं। तो जैसे बच्चों आप देख रहे हैं कि नाउन को यहाँ पांच पार्ट में बांटा गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा एज यू सी ऑन द बोर्ड, कि देखिए ऊपर के तीनों एग्जाम्पल जो मैंने दिया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और ये दो नीचे का दो चार और पांच, ऊपर का एक दो तीन और नीचे का चार पांच, कुछ डिफरेंस हमें मिला। क्या मिला? कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, इन तीनों नाउन की जितने भी एग्जाम्पल हमने देखा या बताया या पढ़ा, वो चीज आप देख भी सकते थे, छू भी सकते थे, गिन भी सकते थे। तो वो तीनों ऐसा था जिसको आप गिन सकते थे, और ये दोनों का एग्जाम्पल ऐसा है बच्चों कि आप उसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे क्या गोल्ड आप गिन सकते हैं? आप एक नजर में बोल सकते हैं हाँ गिन सकते हैं कि देखिए गोल्ड हाथ में नहीं, उसको मेल्ट करके गला करके वो जब लिक्विड बन जाता है आप गिन नहीं सकते हैं। वाटर गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। आपके उदासपन क्या उसको गिन सकते हैं? तो नहीं गिन सकते हैं। इसी तरह हमारे ग्रामर ने इस तरह से इन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को ये काउंटेबल नाउन के पार्ट में डाला है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, इसको ये तीनों नाउन काउंटेबल नाउन के अंदर में आता है। ऐसा नाउन जिसको आप गिन सकते हैं, और ये दोनों पार्ट हमारा आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन के अंदर में। अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन कहलाता है जिसको आप ना ही गिन सकते हैं, बिल्कुल भी गिन नहीं सकते हैं। जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये अनकाउंटेबल में आते हैं, और इसी तरह ये जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन है ये काउंटेबल नाउन में आता है। तो इससे पता चला कि नाउन का अगर मेनली देखा जाए तो दो पार्ट, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल में तीन पार्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड अनकाउंटेबल में दो पार्ट, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए बच्चों आज हम लोग नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन चले, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार आते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल उसके हैं, और कौन कौन सा पार्ट किस पार्ट में आ सकता है, किस नाउन में हो सकता है, ये जाना। फिर हम लोग इसी ग्रामर को नेक्स्ट करते हुए आगे चलते हुए फिर नेक्स्ट क्लास में नाउन ही का आगे का पार्ट चलेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कतें परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह जवाब भी मिल जाएगा।